हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके क्रिएटिविटी। आज हम एक पोटली बैग बनाएंगे जो कि मैंने शनील के फैब्रिक से बनाया है। बहुत ही सुंदर सा पोटली बैग आज हम बनाएंगे। ये एक पार्टी वेयर पोटली बैग बनाएंगे, तो बहुत ही क्यूट सा पोटली बैग बनेगा हमारा ये, तो आप पूरा वीडियो देखना। तो आइए शुरू करते हैं कि कैसे मैं इसको बनाऊँगी। बहुत ही प्यारा सा हम पोटली बैग आज तैयार करेंगे, तो वीडियो आप पूरा देखना। तो ये मैंने सबसे पहले मैंने कपड़ा कट कर लिया है, जो कि फैब्रिक मैंने ये उसका शनील का फैब्रिक लिया है और लाइनिंग मैंने कॉटन की ली है। तो ये मैंने 10x7 का कट कर लिया है और नीचे से मैं इसको गुलाई दे दूँगी। नीचे से मैंने इसको गुलाई दे ली है, लाइनिंग को भी और जो मेन फैब्रिक है उसको भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लाइनिंग अटैच कर लेंगे। सीधी साइड से मैंने इसको लाइनिंग को रखा है और उल्टा के इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी और लाइनिंग को हम सबसे पहले इसको अटैच कर लेंगे और इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगा लूँगी, क्योंकि ये जो फैब्रिक होता है ना शनील का, थोड़ा उठा उठा रहता है, तो इस पर मैंने ऊपर से पहले सिलाई लगा ली और दोनों की मैं लाइनिंग अटैच कर लूँगी पहले। तो लाइनिंग मैंने ये अटैच कर ली है दोनों की। अब नीचे वाली साइड को हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और उससे नीचे 1/2 इंच का निशान लगाएंगे। तो आप पूरा ध्यान से देखना कि कैसे मैं ये इसको निशान लगाऊंगी और इसके ऊपर फिर बाद में सिलाई लगाऊंगी, जहां से कि हमने डोरी को पास करना है, डोरी डालनी है इसमें। अब मैं इस पर पूरी सीधी निशान लगा लूँगी ताकि सिलाई हमारी जो है बिल्कुल सीधी आए। तो ऊपर से मैंने 1 इंच छोड़ा है और उसके नीचे जो है 1/2 इंच का निशान लगाया है। इस पे हम 2 सिलाइयाँ लगाएंगे। दोनों जो पीस है हमारे, आगे वाला और पीछे वाला, दोनों पे सेम ही ऐसे मैं सिलाइयाँ लगा लूँगी, ऊपर से 1 इंच छोड़ के और नीचे से 1/2 इंच। तो ये 2 सिलाइयाँ मैं दोनों पल्लों पे इस पे लगा लूँगी, क्योंकि यहीं से हमने डोरी डालनी है ना बाद में, जो हम पोटली बैग बना रहे हैं उसे हैंग करने के लिए हम यहाँ से डोरी डालेंगे। तो ये डोरी के लिए हमने जो है ये डोरी के लिए बना लिया है। अब इसके ऊपर मैं लेस लगाऊंगी, तो जहाँ पे हमने एक सिलाई लगाई है ना 1/2 इंच की, उसके नीचे वाली साइड पे मैं ये लेस लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, आपने जब भी पोटली बैग या कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो आपने कलर कॉम्बिनेशन का पूरा ध्यान रखना है। तो इसके साथ ये जो मैं लेस लगा रही हूँ ना, बहुत अच्छे से जा रही है, क्योंकि ये कलर भी डार्क कलर का है और इस पर लेस बहुत ही अच्छी लगी है जो मैंने लगाई है। और यहाँ से हम थोड़ा सा इसको खोल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कच्चा किया था ना, जहाँ से कच्चा टांका लगाया था, थोड़ा सा खोल लूँगी ताकि हमारी जो डोरी हमने डालनी है, डोरी यहाँ से आसानी से निकल सके। तो देखो, 1/2 इंच हमने इसको खोल लेना है। तो दोनों पल्लों पर से मैं 1/2 इंच इसका खोल लूँगी। अच्छे से हमने खोल लेना ताकि हमें डोरी जब हम डालेंगे तो कोई दिक्कत ना हो। तो ये मैंने दोनों साइड से इसको ओपन कर लिया है। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो। तो ये देखो, यहाँ से मैंने इसको खोल लिया है। अब दोनों पीस ऐसे पूरे साथ में मिला के और इनको मैं स्टिच कर लूँगी। और जहाँ पे हमने 1/2 इंच छोड़ा था ना, आपने उस बात का ध्यान रखना कि वहाँ पर हमने सिलाई नहीं लगा रही है इसकी। ये देखो, यहाँ तक हम सिलाई लगाएंगे और इसको पक्की कर लेंगे पीछे करके मशीन थोड़ा सा, और उठा के फिर थोड़ा आगे 1/2 इंच छोड़ के आगे हमने सिलाई लगानी है इसकी। तो फ्रेंड्स, पहले में मैंने पोटली बैग के वीडियो डाले थे, वो दूसरे मेथड से मैंने बनाया था और कई मेरे व्यूअर्स ने कहा था कि वीडियो बहुत फास्ट है तो हमें इतना समझ नहीं आया। तो उस वक्त थोड़ा नेटवर्क की प्रॉब्लम थी ना, तो मुझे जो था वो वीडियो फास्ट करना पड़ा था, इसलिए वीडियो में आपको समझ नहीं आया होगा। तो ये वीडियो में मैंने इतना फास्ट नहीं किया है, आराम से पूरा मैंने आपको समझाया है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा इस वीडियो में। इधर वाली साइड पे भी हमने 1/2 इंच छोड़ के फिर आगे सिलाई लगानी है। मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे हमने डोरी डालनी है तो इसलिए 1/2 इंच हमने छोड़ा है। तो पूरा वीडियो आप देखना, तभी आपको पता चलेगा।
और पक्की करके जहाँ से हमने आधा आधा इंच छोड़ा है ना सिलाइयाँ उठा के हमने लगाई है वहाँ से हमने पक्के कर लेना है, ताकि जब हम डोरी डालेंगे डोरी को खींचेंगे ना तो यहाँ से हमारी सिलाई वगैरह ना उधड़े। तो सिलाई मैंने अच्छे से पक्की कर ली है। अब इसको मैं नीचे वाली साइड को थोड़ा इंटरलॉक कर लूँगी ताकि इसके धागे वगैरह ना निकलें, या इस पर आप एक पट्टी कट करके पाइपिंग जैसी होती है ना फिनिशिंग के लिए, तो वो भी लगा सकते हो आप कपड़े की पट्टी कट करके, लेकिन मैं इसके ऊपर ना इंटरलॉक कर लूँगी। तो ये मैंने नीचे वाली साइड इस पर इंटरलॉक कर लिया ताकि इसके धागे ना निकले। यहाँ पे हमने इंटरलॉक नहीं करना है क्योंकि यहाँ से हमने डोरी पास करनी है। तो इसको खींच के हमने अच्छे से निकाल के इसकी जहाँ पर हमने रखा है दोनों साइड से यहाँ से हम डोरी डालेंगे। एक साइड से हम डोरी डालना शुरू करेंगे और दूसरी उसी साइड पे हमने लेकर उसको लेकर आएंगे, ख़त्म करेंगे। जहाँ से डोरी एक साइड से डालनी शुरू करेंगे वहीं से निकालेंगे डोरी को पूरा घुमा के। तो ये मैंने ना गोटा पट्टी जो होती है उसी की ही मैं डोरी लगाऊँगी। अगर आपके पास कोई रेडीमेड डोरी पड़ी हो तो वो आप वो लगा सकते हो। तो मेरे पास वो रेडीमेड वाली डोरी थी नहीं, तो मैंने ये जो गोटा पट्टी होती है ना सूट्स पे ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए, तो वो ही मैंने इसके इसमें डोरी की जगह पे डाली है। तो यहाँ से मैं शुरू करूँगी एक साइड से। तो दो पट्टियाँ मैंने कट कर ली हैं, जितनी भी लंबी आपने रखनी है उसी हिसाब से आप इसको कट कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको डालना शुरू करूँगी, वो यहाँ से घुमा के यहीं पे फिर निकाल दूँगी और एक दूसरी साइड से पट्टी लगा दूँगी। और दोनों पट्टियाँ लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। फिर थोड़ा सा मैं इस पर डेकोरेशन भी करूँगी। हमारा ये एक बहुत ही सुंदर सा जैसे ब्राइडल पोटली बैग होता है ना, वैसे बन के हमारा ये तैयार हो जाएगा, क्योंकि हम इसको डेकोरेट भी करेंगे और बहुत ही सुंदर बहुत ही ब्यूटीफुल सा हम एक पोटली बैग बनाएंगे। तो आप जैसा भी कपड़ा आपके पास पड़ा हो आप बना सकते हो और अपने हिसाब से आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हो। तो मैं ना ये कपड़े के पहले टसल बना के लगाने लगी थी, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा वो। तो ये मेरे पास एक सीक्वेंस वाला कपड़ा है, उसी के ही मैं इसके टसल लगाऊंगी क्योंकि ये ज़्यादा अच्छे लगेंगे और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगे। तो दोनों जो ये डोरी है ना दोनों को मैं साथ में जोड़ लूँगी, दोनों को साथ में जोड़ के एक एक टसल दोनों साइड पे लगा दूँगी। तो मैंने फैब्रिक ये जो सीक्वेंस वाला मेरे पास पड़ा था इसी के मैंने लगाए और फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर लगा। ये कपड़े के इतने अच्छे नहीं लग रहे थे पहले, मैं कपड़े के लगाने लगी थी। तो ये मेरे पास एक गोटा पत्ती होती है ना जो एम्ब्रॉयडरी वाले यूज़ करते हैं, तो ये गोटा पत्ती मेरे पास है। ये गोटा पत्ती की हेल्प से मैं इसको डेकोरेट कर दूँगी थोड़ा। तो ये मैंने ना फैब्रिक ग्लू जो होता है फैब्रिक ग्लू की हेल्प से मैं इसको चिपकाऊँगी और ये थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ूंगी और बहुत अच्छे से ये चिपक जाता है। तो देखो कितना सुंदर हमारा ये जो पोटली बैग था ये बन के तैयार हो गया। तो आप बताना कैसा लगा आपको, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही प्यारा लगा। ये देखो कितना अच्छा ना, पूरी मैचिंग है, कोई भी मटेरियल हमारा ऐसा नहीं है कि इसके साथ मैच ना हो रहा हो। तो ये देखो ऐसे ये हमारा पोटली बैग बन के तैयार हो गया और बहुत ही ब्यूटीफुल लगा। और आप बताना ज़रूर, अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर करना, आप बताना कि कैसा लगा आपको ये। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दूसरी साइड भी मैंने दोनों साइड पर ये लगा दिए हैं, तो कैसा लगा आप बताना ज़रूर। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।